तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक रिपोर्ट ऑटोमेशन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए हम बात करेंगे। बेसिकली हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया था, उन्होंने सॉल्व किया था और प्रॉब्लम को समझे, फिर इसकी कोडिंग पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि कोड को बनाने से पहले हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बेसिकली इनके पास तीन सीट है, मैपिंग सीट, प्रोडक्ट मास्टर और एक है आउटपुट मास्टर, ठीक है? प्रोडक्ट मास्टर में अब जैसे कि जैसे जोन है और प्रोडक्ट नेम, इनका क्या होता है कि किस जोन में कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, उनका लिस्ट है प्रोडक्ट मास्टर, राइट? और कौन सा जोन में कौन सा सेल्समैन वर्क करता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एक जोन में कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं और सेम एक जोन में कई सारे सेल्समैन भी हो सकते हैं। तो उनको वो करते क्या थे कि वो यहां से एक बार ईस्ट को उठाते थे और मैपिंग सीट पे गए और यहां उन्होंने पेस्ट कर दिया। फिर वो ईस्ट के अगेंस्ट दीपक को उठाया, मैपिंग सीट पे गया और डिस्ट्रीब्यूटर नेम में उसको पेस्ट कर, राइट? फिर वो प्रोडक्ट मास्टर पे जाते थे, ईस्ट को फिल्टर करते थे और फिर डेटा को कॉपी करते थे और मैपिंग सीट में वो इसको पेस्ट करते हैं, सॉरी इसको सिर्फ प्रोडक्ट को, ईस्ट को नहीं, प्रोडक्ट को पेस्ट करते हैं और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करके फिल कर देते हैं, राइट सर? फिर वापस जाते हैं, अगेन ईस्ट को लेते हैं और इस बार जो है हमारा अलग अतुल है, इस अतुल को कॉपी करेंगे और इसको यहां पेस्ट करेंगे। फिर सेम प्रोडक्ट नेम को उठाएंगे, पेस्ट में प्रोडक्ट में यहां से फिल्टर होगा, यहां से उठेगा और इसमें पेस्ट करेंगे, समझ गया? तो जितने बेसिकली क्या है कि जितने जोन में जितने प्रोडक्ट है उतना यहां रखना है और जितना यहाँ पे हमारे कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सबको लेना है, इस तरह से डेटा को अरेंज करना है। हालांकि ये प्रोटोटाइप है, इनका ओरिजिनल डेटा कुछ और था, लेकिन मैं आपके सामने प्रोटोटाइप पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ओरिजिनल डेटा तो शेयर नहीं कर सकते सर रिकॉर्डिंग में। तो इसके लिए मैंने जो माइक्रो बनाया था उस एग्जाम्पल को आपके सामने मैं देख दे रहा हूँ, फिर आपको मैं फाइल भेजूंगा, फिर आप अपने हिसाब से एफर्ट लगाइएगा कि इसको और तरीका, और भी कोई सिंपल तरीका है इसको करने का, आप बताइएगा, ठीक है? ठीक है, तो चलिए हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। एक सेकंड सर। तो हम बात कर रहे हैं इस पे, चलिए डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से इसको करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके अकॉर्डिंग, लूप जो हमारा चलेगा इसके अकॉर्डिंग चलेगा, कॉपी पेस्ट इसी अकॉर्डिंग करना है ना हमें। तो हम यहाँ पे ईस्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं कि फोर I इक्वल टू चले टू से सीट्स, सीट्स सीट्स में हम सीट नहीं देते, हम देते हैं यहां पे आपका अच्छा, हम गलत माइक्रो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ये दिक्कत हो रहा था, गलत फाइल में कर रहे थे, हमें इस फाइल में यहाँ पे देते हैं फोर आई इक्वल टू चले टू, टू क्यों लिए, क्योंकि पहला वन हेडिंग है इसलिए हमने टू लिए, टू टू सीट, हम सीट से आउटलेट मास्टर भी ले सकते थे लेकिन हम सीट थ्री ले लेते हैं कि सीट थ्री डॉट रेंज, और हमने दे दिया कि ए 65,000 डॉट एन एन चाहिए ना डॉट एन एक्सलेस आप डॉट रो, ठीक है?
और यहां पे दे देते हैं नेक्स्ट आई। तो ये हमारा जितना लूप है उतना लूप को चलाएगा, ठीक है सर। उसके बाद हम यहां पे देंगे एक और, यहां ऊपर में देते हैं डिम आर एज ए रेंज, और यहां पे देते हैं सेट आर इक्वल टू, हमने दिया सेट आर नहीं होना, आर नहीं देंगे यहां पे देते हैं, फोर इच लगाना है ना हमें, फोर इच आर इन सी टू डॉट रेंज और ए टू से ए सेवेंटीन, यार मैं ए टू से ए सेवेंटीन कर दिया है, बट आप उसको ऑटोमेटिक ए कर दीजिएगा, डायनेमिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, तो यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सीट थ्री डॉट रेंज रेंज ए, और ए के साथ कंबाइन होगा आई डॉट वैल्यू, दैन रेंज, यहाँ पे ये हो गया, अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो क्या हो, सीट वन मैपिंग सीट में वन डॉट रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट वन कॉमा जीरो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू और फिर इसी को हम कॉपी करते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा सर, जीरो वन, और ए एक जगह पे हम सी कर देते, सी हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे आउटलेट मास्टर में सी में हमारा नेम है, तो इस नेम को हम यहाँ बी में रखना चाहते हैं, तो बी में रखने के लिए हमने क्या किया, जीरो वन चेंज कर दिया, ठीक है। और फिर सेम हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा टू हो जाएगा, और यहां पे हमारा हो जाएगा आर डॉट ऑफसेट वाली वैल्यू, आर डॉट ऑफसेट, और ये आपका इसमें इसमें प्रोडक्ट नेम चाहिए ना हमें, तो बी का चाहिए, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 0.1 डॉट वैल्यू, और फिर यहां पे हो जाएगा एंड ए, ठीक है। चलिए करके एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मुझे यहां पे एक चीज और देखना है कि अगर मैं दीपक को सिलेक्ट करता हूं, हाँ सही है, हाँ सही तो है, अब बताइए इस कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको सर, रजनीकांत जी? ओ सॉरी सर, म्यूट था मैं, कहते कोड में कोई दिक्कत नहीं, जो आपने पहले पढ़ाया है वही वाली चीजें हैं, बस उसका एप्लीकेशन मतलब यूज क्या कहते हैं अलग तरीके से किया हमने। हाँ तो हमने एक कंडीशन के ऊपर हमने उधर से डाटा उठाया है और दूसरी जगह पेस्ट किया है, हमने if r value equal to sheet range का हमने देख लिया जहां पे वो मैच कर रहा है, तो हमने वहां से कॉपी किया उधर पेस्ट कर दिया है,
और सर ये जो तीसरी लाइन है सर, इसकी वैल्यू आर डॉट ऑफसेट वन वैल्यू इससे मैच क्यों कराए थे हम? तीसरी लाइन में सर थोड़ा सा हमने मैच क्यों कराया और वैल्यू, इसलिए मुझे शीट का नाम याद नहीं आ रहा है। दूसरे दो लाइन जो आपका दिख रहा है आपको, ये दो लाइन तो आपका यहाँ से उठ के आ रहा है ना? ये तो उठ के यहाँ से कॉपी हो गया आप पे, प्रोडक्ट मास्टर है ना, तो यहाँ से आना चाहिए क्योंकि फॉर ईच लूप जो लगा हुआ है वो प्रोडक्ट मास्टर में लगा हुआ है ना, तो प्रोडक्ट मास्टर का प्रोडक्ट आएगा ना। मतलब क्या होगा कि ये उठा लिया यहाँ से, क्या किया कि आज ये क्या करेगा कि लूप हुआ एक बार, ये इसके अकॉर्डिंग इसको उठा लेगा, इसको उठा लिया, उठाने के बाद इसमें पूरे में चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पे उसको इष्ट मिल रहा है। जहां जहां इष्ट मिलेगा उसके साथ उसका, यहाँ इष्ट मिला तो क्या करेगा कि इन दोनों पे यहाँ का जो जितने है उठाया हुआ है वो दोनों का ए और सी का वैल्यू डालेगा, और फिर इसपे जो है प्रोडक्ट का इसकी वैल्यू उठा के डालेगा। फिर ए मिला तो फिर सेम क्या करेगा, यहाँ से इन दोनों के वैल्यू इसके नीचे डालेगा, और फिर जो मैच हुआ है उसकी प्रोडक्ट नेम ये यहाँ पे डालेगा, और इसी प्रोसीजर को वो वन बाय वन फॉलो करेगा। ठीक है? यस सर, यस सर, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है सर इसमें? नहीं नहीं ठीक है सर, ठीक। तो फाइल सेव एज कर लेता हूँ मैं, तो आपको बाद में भेजनी पड़ेगी ना। तो बेसिकली पता है आधा घंटा उन्होंने मेरा माता चढ़ा था इस चीज के लिए, सिर्फ समझाने में।